देख रहे हैं घमासान.com में मैं हूं आपके साथ वागीशा और आज हम आपको बताते हैं कि जो नेता आपके दरवाजे खटखटाते हैं वोट के लिए, असल में उन नेताओं की इनकम क्यों बढ़ रही है। वो तो भला हो चुनाव आयोग का जिन्होंने मजबूर कर दिया नेताओं और मंत्रियों को कि वे अपना हिसाब दें। उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे राजनीति समीक्षक राजेश। सर आप बताएं कि इन नेताओं और मंत्रियों की आय क्यों बढ़ रही है। ऐसा है कि जब से चुनाव आयोग ने नेताओं को चुनाव लड़ने के पहले अपने नामांकन फॉर्म के साथ अपनी आय बताने के लिए मजबूर किया है, तब से इन नेताओं की पोल खुलने लगी है। दरअसल ये नेता 24 घंटे राजनीति करते हैं, इनका कोई काम धंधा नहीं होता, लेकिन इनकी इनकम हर साल बढ़ती है, 5 साल में तो कई गुना हो जाती है। पता चलता है कि जो नेताजी के पास पहले 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, अब वो 20-25 करोड़ की हो गई। आखिर इनके पास इतना पैसा आता कैसे है, आखिर ये कमाते कैसे हैं। वैसे ये अपनी कमाई के अलग अलग तरीके बताते हैं, कोई खेती से कमाने बताता है, जबकि खेती की हालत ये है कि किसान लगातार आत्महत्या पूरे देश में कर रहे हैं। उसके अलावा ये शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना बताते हैं। इसके अलावा ये भी ये कहते हैं कि हमारे पास किराए की इनकम है, तो आखिर कितनी इनकी बिल्डिंग है, कितनी दुकानें हैं, कितने मकान हैं, ये सोचने की बात है। और इसी के कारण इन नेताओं की जब पोल खुलती है तो ये नेता अपनी बड़ी भी इनकम का हिसाब चुनाव आयोग के डर के कारण दे तो देते हैं, लेकिन जब जनता इनसे सवाल पूछती है तो ये मुंह छिपाकर भाग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये वाकई बहुत गंभीर सवाल है। जो मतदाता होते हैं उनको इन सारे नेताओं से पूछना चाहिए कि आखिर हमारी इनकम नहीं बढ़ रही, हम दिन भर काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम व्यापार करते हैं, लेकिन हमारी इनकम इतनी क्यों नहीं बढ़ रही। जिस तेज गति से 100, 200 गुना, 300 गुना नेताजी जो कोई काम नहीं करते उनकी यदि इनकम बढ़ जाती है तो वाकई चौंकाने वाली बात है। ये नेता काम तो करते ही नहीं, फिर इनकी इनकम कैसे बढ़ जाती है। ये वाकई गंभीर सवाल है। अभी कुछ उम्मीदवारों ने मध्यप्रदेश में नामांकन फॉर्म भरे हैं, उन उम्मीदवारों में हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की बात करते हैं, तो उन्होंने अपने हलफनामे में ये कहा कि उनकी पत्नी की इनकम 15 लाख रुपए हो गई और उनकी इनकम 6.5 लाख के आसपास ही है। तो ये समझ में नहीं आया कि जब नेताजी खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, 24 घंटे काम करते हैं, ऐसा वो दावा भी करते हैं और वाकई दिन रात दौरे करते हैं, जब नेताजी फुर्सत में नहीं है तो उनकी पत्नी आखिर क्या कर रही है कि उनकी इनकम बढ़ गई। निश्चित तौर पर नेताजी ने कोई तरीका ऐसा निकाला होगा और उस तरीके से उनकी बजाय उनकी पत्नी की इनकम बढ़ गई। नेताजी ने कुछ होशियारी दिखाई और उन्होंने ये तरीका अपनाया कि मेरी तो इनकम नहीं बढ़ी लेकिन मेरी पत्नी की इनकम बढ़ गई। सवाल इस बात का है कि उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि उनकी पत्नी की इनकम आखिर कैसे बढ़ गई। चुनाव आयोग को इनके हलफनामों की जांच भी कराना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इनकम टैक्स विभाग जो इन पर नजर नहीं रखता उनको इन नेताओं के छापे मारना चाहिए। क्या कारण है कि इनकम टैक्स विभाग चुनाव आयोग में जो उम्मीदवार हलफनामे देता है उस हलफनामे की जांच क्यों नहीं की जाती है। नेताओं की पत्नियों की इनकम कैसे बढ़ जाती है। नेताओं की पत्नियों की इनकम कुछ इस तरीके से बढ़ती है कि वो कुछ शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है और कुछ नौकरी करना बताती हैं, कुछ अपना व्यापार व्यवसाय बताती हैं, किसी का ब्यूटी पार्लर है तो किसी का जनरल स्टोर है तो किसी का कुछ और काम काज है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, महत्वपूर्ण बात। अभी सीधी जो मध्यप्रदेश की लोकसभा एक सीट है वहां से वर्तमान में रीति पाठक सांसद है, इनको हीरे से मोहब्बत है, इनको जनता से कितनी मोहब्बत है ये तो चुनाव परिणाम से पता चल जाएगा। लेकिन इनके पास जब इन्होंने पिछली बार हलफनामा चुनाव आयोग को दिया था तब 5 कैरेट के हीरे थे, अभी इन्होंने बताया कि मेरे पास अब 7 कैरेट के हीरे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके पास जो है हीरे की भरमार
होती जा रही है। आखिर ये हीरे आए कहाँ से, ये जनता को सवाल पूछना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे सांसद भी हैं जो वाके ढंगे की चोट कहते हैं कि हमारे पास तो करोड़ों रुपया है। उनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ, जो छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, उन्होंने खुले तौर पर ये कहा है कि उनके पास लगातार इनकम बढ़ती जा रही है क्योंकि उनकी कई फैक्ट्रियां चल रही है। हालांकि नकुल नाथ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास लगभग 615 करोड़ की संपत्ति है जो उन्होंने कई सालों में कमाई है, या अपने यूं कहें कि पिता और दादा के कारोबार को आगे बढ़ाया है। इसी तरह की हम कुछ बात करें तो एक वकील साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, जबलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक तंखा की यदि हम बात करें तो उन्होंने ये बताया कि इस साल उन्होंने 13 करोड़ 99 लाख रुपए कमाए हैं और ये कमाई उन्होंने वकालत करके की है। वाकई तंखा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जहां पर महंगी फीस लेकर केस लड़े जाते हैं, इसलिए लगता है कि उनकी इनकम लगातार बढ़ रही है। देश के तेज तर्रार नेता अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह ने भी जो आंकड़ा दिया है वो काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया है कि उनके पास लगभग 75 करोड़ की संपत्ति है। ये बात सही है कि अर्जुन सिंह के पास काफी पैसा था जो उनके बेटे अजय सिंह को ही मिला है, लेकिन कुछ उम्मीदवार ईमानदार और गरीब भी हैं। जैसे कि हम देखें तो मंडला से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं फगन सिंह कुलस्ते, उनकी आय नहीं बढ़ पाई। उन्होंने 1,52,50,000 रुपए की आय 2019 में बताई है और उनके पास जो है ज़्यादा नहीं 22 LIC पॉलिसियाँ हैं। उन्होंने अपना ज़्यादा पैसा पॉलिसियों में इन्वेस्ट किया है। आम आदमी अपने जीवन में इलाज के लिए भी एक पॉलिसी नहीं खरीद पाता, लेकिन ये नेताजी 1-2 नहीं 22 LIC पॉलिसी अपने पास रखे हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि शहडोल से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला सिंह उनका नाम है, जो रिवॉल्वर से मोहब्बत करती है। अब आप बताइए कि एक महिला को किससे जान, किससे खतरा है उनकी जान को, समझ में नहीं आता कि उनको रिवॉल्वर के लाइसेंस की आखिर जरूरत क्यों है। ऐसा नहीं है कि सभी नेता चोर होते हैं, कुछ नेता वाकई अच्छे होते हैं। मंडला से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कमल सिंह मरावी, उनके पास एकमात्र मोटरसाइकिल है, उनके पास कोई कार नहीं है और उनकी अचल संपत्ति भी मात्र 23 लाख रुपए की है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हम एक और उम्मीदवार की बात करते हैं जो बालाघाट से भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनका नाम है ढाल सिंह बिसेन। 4 करोड़ से ज़्यादा की उनके पास अचल संपत्ति है और उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। अब क्यों बढ़ती जा रही है ये तो इनकम टैक्स विभाग को पूछना चाहिए, लेकिन हम इसी श्रृंखला में आपको बताते हैं कि हिमांद्री सिंह जो शहडोल से चुनाव लड़ रही हैं उनकी संपत्ति भी घट गई है, क्योंकि पता नहीं वो कुछ कर नहीं पाई या उनको कुछ करने का मौका नहीं मिला, या हो सकता है उन्होंने जनता के डर से अपनी वास्तविक इनकम, जिसे नंबर वन की इनकम कहते हैं, वो नहीं बढ़ाई और उनकी इनकम घट गई है। क्या ये नेता लोग कर्जा भी लेते हैं? हाँ, निश्चित रूप से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो ये बताते हैं कि उनके ऊपर 50 लाख का, 1 करोड़ का, 20 लाख का, इस तरह का कर्जा है। किसी ने कार कर्जे पे ली है, किसी ने मकान जो बनाया है उस पे कर्जा लिया है, तो किसी ने कोई व्यापार के लिए कर्जा लिया है। लेकिन ये कर्जा जो लेने की बात है वो एक सामान्य है, या यूं कहे कि नेताओं के लिए कर्जा लेना एक फैशन बन गया है। कुछ नेता ऐसे हैं जो लूट खसोट में पीछे रह जाते, तो क्या कारण है? उसका कारण ये है कि ये जो लूट खसोट है, चुनाव आयोग को जो हलफनामा उम्मीदवार देते हैं उसमें एक बड़ी सच्चाई ये है कि ये जो हिसाब है ये तो उस संपत्ति का हिसाब है जो नंबर वन की बताई जाती है। अब नंबर दो की कमी की यदि बात करें तो जितनी इनकम ये बताते हैं उससे 5-10 गुना ज्यादा इनके पास होती है। आखिर इनके खर्चे भी बहुत होते हैं, कार्यकर्ताओं को भी इनको पैसे देना पड़ते हैं, जिस शादी ब्याह में जाते हैं वहां पर इन्हें पैसे देना पड़ते हैं, गरीबों के इलाज के लिए जेब से पैसे भी खर्च करना पड़ते हैं, उसके अलावा सरकारी स्कूलों
को छोड़कर जो अन्य स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस जमा करने का काम भी करते हैं, आए दिन भोजन भंडारे करते हैं, आए दिन कथा प्रवचन कराते रहते हैं, इन सबका जो पैसा है वो आखिर कहाँ से आता है, इसका हिसाब चुनाव आयोग को पूछना चाहिए कि यदि कोई सांसद विधायक या पार्षद यदि कोई सार्वजनिक आयोजन भी करता है तो उसके पास उस आयोजन के लिए पैसा कहाँ से आता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको आने वाले समय में और भी इस तरह के नेताओं के बारे में बताएंगे कि नेताओं की संपत्ति आखिर क्यों बढ़ती जा रही है। हमारा देश के मतदाताओं से एक विनम्र अनुरोध है कि वो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं और देखें कि उनके इलाके के जो उम्मीदवार हैं वो भले ही किसी भी पार्टी के हों उनकी इनकम लगातार क्यों बढ़ती गई, आखिर उनको कितना वेतन मिलता है, आखिर उनको कितनी सुविधाएं मिलती है, आखिर वो क्या काम करते हैं, उनकी पत्नी पति या बच्चे कौन सा ऐसा बिजनेस करते हैं जो उनकी इनकम लगातार बढ़ती जाती है। तो ऐसे चुनाव से जुड़ी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए ghamasan.com। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.